तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे सेबी के द्वारा आप लोगों के लिए काफी अच्छा अपडेट दिया गया है। यहाँ पे अब आप लोगों को टोटल एक्सपेंस रेशियो में काफी हद तक कटौती दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग बता दें कि सेबी ने यहाँ पे दो तरह के फंड को कैटेगराइज किया, एक तो इक्विटी वाले का एक पूरा सेपरेट बताया और दूसरा जो नॉन इक्विटीज के फंड है उनका एक अलग से सेपरेट बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों नई लिस्ट क्या है इनके द्वारा, जो सेबी के द्वारा जारी की गई है, और साथ में यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये उन लोगों के लिए हेल्प करेगा जो लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि TER क्या है, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो, और साथ में नई लिस्ट क्या है सेबी के द्वारा टोटल एक्सपेंस रेशियो की। सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फ्यूचर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके लिस्ट के बारे में कि नई लिस्ट इन्होंने क्या दी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग बता दें कि 18 सितंबर 2018 यानी कल के दिन मंगलवार को इन्होंने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करी और यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो को कम करेंगे, जिससे काफी लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आ सकेंगे और लोगों को जो भी निवेश किया जिन्होंने उनको काफी अच्छा रिटर्न भी यहाँ से मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, टोटल एक्सपेंस रेशियो दोस्तों अगर सेबी की बात करें तो सेबी को पहले जान लीजिए कौन है। सेबी दोस्तों यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोग जो भी यहां पे निवेश करते हैं यहां पे सब कुछ ताल्लुकात होता है सेबी का, जो भी इसकी सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है वो सारा कुछ सेबी देखती है। तो यहां पे दोस्तों अगर सेबी ना हो तो आप लोगों का जो रिटर्न मिलता है वो सही तरीके से कोई भी कंपनी आप लोगों को नहीं देगी। यहां पे एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि एक तरह से ये अदालत है और सारी चीजों को यहां पे ये कवर करती है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों से ये चार्ज भी लेती है जो कि यहां पे 2.50 मैक्सिमम था और कई सारे फंड में अलग अलग यहां पे इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो का चार्ज था। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नई लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग को टोटल एक्सपेंस रेशियो में अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से पूछेगा, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो की नई लिस्ट देख लेते हैं कि सेबी द्वारा क्या क्या जो कि बताया गया है और कौन कौन से स्लैब रखे गए हैं, कितने कितने करोड़ तक के स्लैब है यहाँ पे। अगर दोस्तों किसी फंड का एसेट 500 करोड़ रुपए तक का है तो वहां पे आप लोग को टोटल एक्सपेंस रेशियो इक्विटी में 2.25 तक का भरना पड़ेगा और वहीं पे नॉन इक्विटी में आप लोग को 2.0 तक का भरना पड़ेगा। अब जो दोस्तों यहां पे 500 से 750 करोड़ के बीच में कोई एसेट है अगर वो इक्विटी में है तो 2.0 और वहीं पे अगर नॉन इक्विटी में है तो 1.75। अगर दोस्तों यहां पे कोई भी एसेट 750 से 2000 करोड़ तक के बीच में है तो यहां पे आप लोग अगर इक्विटी में देखते हैं तो 1.75% तक और वहीं पे अगर नॉन इक्विटी की बात करते हैं तो 1.50 तक। अब जो दोस्तों यहाँ पे कोई भी फंड 2000 से लेकर के 5000 के बीच में एसेट रखता हो तो 1.60 इक्विटी में और वहीं पे नॉन इक्विटी की बात करते हैं तो 1.35। अब जो दोस्तों यहाँ पे 5000 से लेकर के 10000 के बीच में अगर कोई एसेट है फंड का तो यहाँ पे इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 1.50 और यहाँ पे नॉन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 1.25। अब दोस्तों यहाँ पे 10000 से 50000 के बीच में है तो यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों कि 10000 से जितना भी फंड अगर 5000 करोड़ रुपए इंक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 15000 करोड़ हुआ, तो आप लोगों का जो 1.50 है उसमें आप लोगों का 0.05% कम हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का अगर 15000 करोड़ तक का किसी फंड का एसेट है तो 1.45 हो जाएगा इक्विटी में और सेम उसी तरह नॉन इक्विटी में, जैसे कि पिछला फंड था 5000 से 10000 के बीच 1.25 था तो इसमें 0.05 कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे 1.20 हो जाएगा अगर 15000 का किसी भी नॉन इक्विटी का फंड है। तो दोस्तों इसी तरह के 10000 से लेकर के 50000 तक जाएगा जहां पे आप लोग का ये 5-5000 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे 0.05 कम होता जाएगा उस फंड में से। अगर दोस्तों यहाँ पे किसी फंड का एसेट 50000 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे उसका इक्विटी ओरिएंटेड में 1.05 होगा और वहीं पे नॉन इक्विटी ओरिएंटेड में 0.80 होगा। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी लिस्ट है जो कि सेबी द्वारा टोटल एक्सपेंस रेशियो की नई जारी की गई है। अगर आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन आता है, नहीं समझ में आता है तो मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग भी लिख रखा है, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप लोग जाकर के उसे पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं, जिससे कि अगर वो म्यूचुअल फंड में कुछ वेट कर रहे, कुछ नया आए तब हम निवेश करें तो उनको ये थोड़ा बहुत नया मिल गया है तो वो यहाँ पे अब निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करते हैं तो हमारी इस तरह की वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।